सिटिंग है, सब लोग आराम से पेशेंटफुली सुनिए, कोई बहुत स्पेशल जार्गन नहीं है। वी आर गोइंग टू टॉक समथिंग जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी चीजें जिस भी जगह है हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं। हम जो कुछ भी डिलीवर कर रहे हैं वो शायद वैल्यू एड करे, और एज एन एडवाइजर आपके सारथी होने के नाते कुछ कमांडिंग वे में भी मैं बात बोल सकता हूं, सो डोंट माइंड। आई वुड एड्रेस माई थिंग्स अकॉर्डिंगली एज ए एडवाइजर। पूरी इस कहानी को शुरू करने के पहले जरा पीछे से बहुत थोड़ा वो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आराम से सेटल डाउन हो जाओ आप लोग भी, ठीक है? ओके, सो दिस कंपनी नेम्ड इंफिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि आप जानते हैं यही इसी नाम से हमने ये बिजनेस को शुरू किया था, और इंफिनिटी वर्ड का मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट था, अनंत। There is no limitation when you talk to us. There is no limit about your dreams, your goals and other things. So, ऐसी कंपनी बेसिकली करती क्या है ये आपके लिए जानना जरूरी है, और जब हम अपनी बात बताते हैं कि हम क्या करते हैं तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है एक बात इंट्रोड्यूस करना कि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एकदम टेक्निकली डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम बाजार में आपको खरीदारी करने में हेल्प करते हैं, बेचते हैं। क्या बेचते हैं? ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं। तो मेरे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना मेरा पहला काम है। हम कोई डायरेक्टली इंफिनिटी फिनसर को कोई चेक नहीं देता, आप मुझे पैसा नहीं देते हो, आप मेरे द्वारा बताए हुए संस्था को पैसा देते हो। तो उन संस्था में से हर बार ऐसी मीटिंग को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें एक मैन्युफैक्चरर आगे आता है। तो आज आपके मैन्युफैक्चरर बिरला है, आदित्य बिरला ग्रुप पावस यहाँ के रीजनल हेड, एंड अनुराग, ये दोनों आज हमारे साथ हैं, पोस्ट मीटिंग में भी आपको मिलेंगे। तो थैंक्स टू देम, थैंक यू बिरला एंड टीम। तो इस तरह की इनिशिएटिव तभी सक्सेसफुल हो पाती है जब कोई मैन्युफैक्चरर हमें सपोर्ट करता है। चलिए तो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड एंड व्हाट वी डू। मैं कोशिश करूंगा 40 मिनट्स के अंदर कर लेना, थोड़ा आगे पीछे 40-45 मिनट लगेगा। आप अच्छा गूंज रहा है, ओके। So then we have dinner and drinks. So that's the way we are going to do the session. What we do, this is very important. और जब हम ये बात कहते हैं तो ये बहुत बार बताते हैं जब लोग आते हैं तो हमें financial advisor की तरफ बोलते हैं कि अरे तुम तो financial planner हो तुम लोग। हम कहते हैं भाई ये सब हम नहीं है, हम क्या हैं जरा फिर से देख लीजिए ताकि आपको मेरे साथ रिश्ता बनाने में कोई डाउट, कोई शक ना हो कि हम क्या हैं और हमसे आपको क्या मिल सकता है। हम सबसे पहली चीज जो मेरी हर टीम मेंबर को हम सिखाते हैं और वही हमारे सोल में घुसा हुआ है, और वो है हम मोटिवेटर हैं। एक लाइन में अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं आप में से, मेरे पास सामने यंगस्टर दिख रहे हैं, कुछ एल्डर्स लोग हैं, इन सबको सेविंग के लिए मोटिवेट करना मेरा प्राइम जॉब है। अगर कोई बोले अवनीश भाई तुमसे क्या मिला मुझे, तो हमने ये मिला कि तुम जिंदगी में 100 रुपया नहीं निकाल पाते थे जेब से, मेरी जेब पे निकाला है तुमने। तो दैट इज द वे वी थिंक, दैट्स द वे वी गेट ट्रेंड। और मेरा एक ही काम है आपकी जेब में से बचत को बाहर करना, पहली बात, दिस इज माई जॉब। इसलिए बहुत लोग हमें कभी फॉलो अप करने पे चिढ़ जाते हैं, अरे तुम बार बार फोन कर रहे हो, बार बार फोन कर रहे हो। हम कैसे बार बार फोन नहीं कर रहे, हमें आपको पता है कि इफ यू डोंट डू दैट यू विल बी इन ट्रबल। तो सेविंग इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट एजुकेशन। इन्वेस्टमेंट एजुकेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि कहां सेव करोगे? पैसा तो मैंने जिद करके आपसे बोल दिया बचाओ 2000 रुपए बचाओ महीने का, लेकिन वो 2000 रुपए कहां लेके जाए? These are the questions for youngsters today and even mid-age and elders. तो मेरा वहां रोल दूसरा शुरू होता है जहां मुझे अलग अलग मैन्युफैक्चरर के साथ टाइप करना पड़ता है जिनका प्रोडक्ट मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी है, और वहां हम डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से फिर जाने जाने लगते हैं, उसकी काउंसलिंग होनी जरूरी है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हम करते हैं वो है सुटेबिलिटी। हम आपके गाइड, आप कुछ भी कह लो कि मेरे पास अपने पैसा तेरे कहने से बचा तो लिया, चल इसके साथ चलते बिटकॉइन खरीद लेते हैं, चलो इससे शेयर खरीद लेते हैं, चलो मैं इसे ये कर लेता हूं, मेरे को आपको सही गाइड बताना है ये नहीं सुटेबल है या ये सुटेबल है। सुटेबिलिटी के लॉजिक क्या है, फॉर्मूला क्या है, उसके साथ आगे बढ़ना है। तो ये मेरा तीसरा काम है। चौथा, जब सब तय हो गया तो चलो भाई बटन दबाओ, पैसा लगा दो, एग्जीक्यूशन विच इज ऑब्वियसली डे टू डे जॉब है। और जब पैसा लग गया तो सही लगा, सही तर चल रहा है या नहीं चल रहा है,
बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, अरे आपके 10-12 हजार क्लाइंट हो गए क्या, सबका उठा उठा के देखते हो क्या? हमने कहा सबके देखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक एसेट का एक बल्क मॉनिटर सिस्टम है। मान लो मैंने गोल्ड बेचा है 300 करोड़, 200 करोड़ के मैंने प्रॉपर्टी बेची है, म्यूचुअल फंड बेचा है 1000 करोड़, तो मेरे पास सबका बल्क डेली बेसिस पे हम उसका इंडिकेटर्स देखते हैं। तब मुझे लगता है कि इस समय इक्विटी पे बातचीत करनी जरूरी है। तब फिल्टर होता है कि किन क्लाइंटों के पास वो इक्विटी है, उस इक्विटी में किसको हटाना है और किन को फोन करना है। दैट इज वन वे। द सेकेंड वे इज अ क्वार्टरली रिव्यू सिस्टम। पता नहीं आप में से कितने लोग मेरा मेल देखते हो, नहीं देखते हो, help@infirupee.com से आपको एक मेल आता है हर 3 महीने पे, अगर आपका मेल आईडी मेरे यहाँ प्रॉपर रजिस्टर्ड है तो। हर 3 महीने में आता है, उसमें लिखा रहता है, डियर सर आपका रिव्यू टाइम है, आपके आरएम मिस्टर तरुण कुमार, अमित सक्सेना, जो भी नाम लिखा है, कि भाई साहब मिलना है तो फोन करिए। अब हम सबको फोन कर करके नहीं पूछ सकते, तो ये आपका काम है कि ये तीनों चीज देखें। तो इस तरह से हम मॉनिटरिंग करते हैं। सॉरी थोड़ा सा जरा सा आप लोग से सपोर्ट चाहिए प्लीज बच्चों। किड्स हाय, हाय बेबी, प्लीज कोऑपरेट, हाँ जस्ट फॉर 30 मिनट्स वी आर स्पीकिंग, देन यू विल एंजॉय। ओके, सो मैं ये कह रहा हूं कि जो इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग का दूसरा पक्ष है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वन क्लिक एट ए ग्लैंस सब कुछ दिख जाए। ये कोविड में बड़ा काम आया, बहुत मेरे क्लोज, आप लोगों के भी क्लोज लोगों का खबर आया होगा, बट मुझे ऐसे ऐसे क्लोज लोगों का फोन आया जिनकी वाइफ ने एक बार में बटन दबाया और उनको ये दिख गया, हाँ यार अपने से ऐप में दिख रहा है मेरा इतना पैसा है, अब प्लीज ये कर दो। हमें 2 घंटे लगे चीजों को इधर से उधर ट्रांसफर करने में, या उनको ये सहूलियत बताने में कि आपके पति ने कहां लगाया था या कहां रखा है। बहुत फैमिलीज ऐसी भी मिली जिनका कुछ अता पता नहीं, बेचारे नहीं रहे, लेकिन एक एजेंट से 50,000, दूसरे एजेंट ने म्यूचुअल फंड, मुझे ढूंढते ढूंढते आज भी तरुण से गवाह है, ऐसे ऐसे क्लाइंट है जिनका हम ढूंढ रहे हैं कि भाई पैन कार्ड से सर्च कर लो, उनकी वाइफ के लिए चेकबुक में लिखा है, किसी को दिया है, किसको दिया है पता नहीं चल रहा वगैरह वगैरह। तो ये दिन ना आए इसलिए इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल ये जो जमाना आया है ऐप क्या, एवरीबडी शुड हैव अवर ऐप, एटलीस्ट सुबह खोल के बटन दबा के देख सकते हो अपने धन को, बढ़ना और गिरना तो अलग बात है, चलो ऊपर नीचे चलेगा, बट आपकी फैमिली जानती है। और मॉनिटरिंग का एक लास्ट अहम पार्ट है नॉमिनेशंस, जिसका रियलाइजेशन कोविड में जाके हुआ। लोग उल्टा पुल्टा नॉमिनेशन करते हैं, किसी बच्चे को कुछ दे दिया, किसी बच्चे का किसी ने नाम लिख दिया, किसी एक पत्नी का नाम लिख दिया, किसी ने दोनों ज्वाइंट हैं फिर भी नॉमिनेशन नहीं है, बहुत बहुत कंफ्यूजन थी। तो यहां भी डिस्कशन बनता है कि मैं अपनी प्रोडक्ट का नॉमिनी कौन है, कैसे चुनूं, क्या परसेंटेज चुनूं, और उसको सही से पोलियो वाइज डिवाइडेड है या नहीं है, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स विच शुड बी लर्न्ड। क्या तो ये समय मैंने लिया जस्ट रिविजिट करने के लिए कि इंफिनिटी क्या करता है, जानते आप लोग सब हो। 2004 की जर्नी जो शुरू हुई थी ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ा प्राउड सा बात है, क्योंकि आज हम करीब 12,000 ग्राहक पे बैठे हैं और करीब करीब 470 करोड़ पे हम लोग एसेट मैनेज कर रहे हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में। अगर हम अपने रियल स्टेट और दूसरे देखें तो वी आर मैनेजिंग मोर देन 1200 करोड़ ऑफ मनी इन द सिटी, इन द सिटी। हमारे ये बिलीफ है, हम ग्लोबल नहीं जाना चाहते, नेशनल नहीं जाना चाहते, हम यहाँ बैठ के नागपुर के लोगों को नहीं मैनेज करना चाहते, बिकॉज वी हैव अ एंटी डिजिटल थिंग। हम कहते हैं रोबोट और इंसान में अंतर है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं अभिनेश अरे ग्रो ऐप आ गया, ये ऐप आ गया, वो ऐप आप लोग ऐसे करोगे नहीं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज पर्सनल, इमोशंस कैन नॉट बी हैंडल्ड बाई मशीन, इमोशंस कैन ओनली बी हैंडल्ड बाई ह्यूमन, दैट इज अवर बेसिक फिलोसफी। सो डेप्थ बहुत है, हो सकता है कि मैं 10,000 करोड़ का ना बन जाऊं, लेकिन मुझे जितना मैनेज करना है, जिनको मैं कर सकता हूं, वो हमारी सिटी के हिसाब से वी आर नंबर वन। यू विल बी प्राउड टू नो दैट इंफिनिटी टुडे इज नंबर वन। हम पूरे उत्तर प्रदेश में आप किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाके पूछेंगे कि लखनऊ का नंबर वन रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, आपको हमारा नाम मिलेगा। विद दिस लेट्स कम टू द बेसिक लिटरेसी। जैसा कि ये प्रोग्राम पढ़ाने का है और हम लोग हर सेशन में कुछ पढ़ाते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, तो आज का ज्ञान मैं बाजार से शुरू करता हूं। डीप बेसिक, किसी को पीछे डिस्टर्ब ना हो इसके चलते हूं।
If screen is disturbing, then I don't want that. Okay, so ये भी टेक्नोलॉजी का नया बदलाव है कि आप यहाँ से लाइव जा रहे हैं. Okay, so बाजार, बाजार और मार्केट बहुत सिंपलिसिटी में समझा जा सकता है. शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार, एफडी बाजार, कपड़े का बाजार, ज्वेलरी का बाजार, फ्रूट, पेपर, कॉस्मेटिक, वेजिटेबल, एग एंड एंड एक्सपोजर, ये सब बाजार है. हर चीज बाजार है. उसी मार्केट में से एक मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट. तो नेचर ऑफ एनी मार्केट इज सेम. हर बाजार का एक ही चीज, उसका एक प्रोडक्ट होता है, उसका एक भाव होता है. खरीदार अगर उस भाव पे खरीद लिया और दुकान वाले पे आप गए, अरे भाई ये शर्ट 600 रुपए की दो, बोलेगा भाई 1200 की बिक रही है, चार लोग ले जा चुके, प्राइस टैग लग गई, तो प्राइस इज मेट. तो बहुत यंगस्टर के लिए हो सकता है ये क्वेश्चन हो, और बहुत सारे लोग आज भी नहीं समझ पाते. वो कहते हैं अरे ये शेयर का भाव बहुत महंगा है या बहुत सस्ता है. उनको मैं बताना चाहता हूं किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का कोई भाव नहीं होता. भाव जो आप देखते हैं टीवी में या निफ्टी या सेंसेक्स, ये दो लोगों के बीच मिलने पे यानी ट्रेड होने पे जो LTP बनती है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो टीवी में आता है. दैट डज नॉट मीन कि इंफोसिस 1600 का अगर आपने बेचा और इन्होंने खरीदा, इसका मतलब नहीं है कि इंफोसिस 1600 का वर्थ है. इसका मतलब नहीं है. मतलब ऑफ वर्थ इज इंट्रिंसिक वैल्यू, जो अलग होता है. जो भाव दिख रहा है वो अलग है. हम लोग क्यों तय कर लेते हैं, जब ज्यादा लोग भाव बढ़ा बढ़ा के कोई चीज को देने लगते हैं तो उसका भाव का ऐसा ग्राफ बनने लगता है, मार्केट बढ़ने लगती है और आपको अच्छा लगने लगता है. जब ज्यादा लोग उल्टा सोचने लगते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी बाजार में एक ट्रेंड होता है. किसी भी बाजार में एक ट्रेंड होता है. ट्रेंड की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों साइड का ट्रेंड हो सकता है. तो एक लेमैन को क्या समझना होता है, ट्रेंड किधर है, और वो लेमैन उस ट्रेंड के चक्कर में दो चीजें देखता है, टीवी, अखबार पढ़ता है और किसी से पूछता है. अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो रोज सुबह टेलीविजन में हरा हरा दिखेगा आपको, टीवी में, CNBC बिजनेस न्यूज वगैरह में. ट्रेंड पॉजिटिव है, सारे एड आ रहे होंगे उसी समय, लगा दो इसमें, इन्वेस्ट कर लो, अरे पैसा लगाओ, पैसा कमाओ. ट्रेंड पॉजिटिव होगा, आपके ब्रोकर का फोन आ रहा होगा, ये स्कीम आ गई सर, यहाँ लगा दो, ये लगा दो. ट्रेंड पॉजिटिव होगा तो हर तरफ खाते खुल रहे होंगे, नया डीमैट अकाउंट खुल रहा होगा. रिजल्ट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ट्रेंड आती कहां से. फाइनेंशियल मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड मेजरली स्टार्ट होता है ग्लोब के सबसे पावरफुल कंट्री US से. US जैसा सोचता है, जैसा करता है, जैसा बताता है, ट्रेंड वहां से फिल्टर. तो एक आज के लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड जजमेंट का लेसन दूं आप लोग को, तो हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं, आप भी कर सकते हो. जैसे ही समझ लो US कह रहा है मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे यहां सुख शांति संपत्ति फैल रही है, तो आप तक उसका छींटा आएगा, मार्केट बढ़े. US कह रहा है मैं परेशानी में हूं, महंगाई मेरे यहां बढ़ने वाली है, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, मकान नहीं बिक रहा है, मेरी हालत खराब है, हम सब बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि डॉलर की कीमत भाग जाएगी इतनी, हम डॉलर में खत ले नहीं पाएंगे. तो अल्टीमेटली पहला बिगर इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज US. सेकेंड, गोल्ड. जब भी आपको समझना हो कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब महंगा है मार्केट या ट्रेंड पॉजिटिव है, गोल्ड देख लो. सोना अगर स्थिर है या नीचे की ओर जा रहा है, मतलब सब लोग बुलिश हैं, बाजार में भाग रहे हैं, कोई सोना की तरफ जा नहीं रहा. सोना विपदा की वस्तु है, सोना इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट. ठीक है, पहली बुक जब फाइनेंस ही पढ़ेंगे तो पहला लाइन लिखा है गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इज ऑलवेज अ हेज, विपदा की वस्तु है, चुपचाप छुपा के रख लो, जब विपदा आएगी तो बेचना. तो विपदा जब आती है तो उसका इंडिकेटर गोल्ड होता है. गोल्ड 60,000 हो गया, 55,000, विपदा आई है, सब लोग डरे हुए हैं, मार्केट घबराया हुआ है, तो गोल्ड क्यों भाग जाता है. कंट्रीज भी घबराते हैं, सरकारें भी घबराती हैं. सरकार जब घबराती है तो अपने खजाने में अपना ही रुपया यानी पेपर को साइड रख के गोल्ड खरीदने लगती है,
उसको लगता है कहीं वार हो गया, कहीं देश बर्बाद हो गया, दुनिया एकदम निस्तब्ध हो गई, तो गोल्ड ही है जिसको लेके एक कंट्री बच पाएगा। वेनेजुएला अगर मर गया इसलिए क्योंकि उसके पास गोल्ड नहीं था, इंडिया बच गया क्योंकि उसके पास बहुत गोल्ड है। तो खैर ये एक कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते इंटरेस्टिंग बनाते हुए कि वित्त बाजार है, इसको समझने में बड़ा मजा आता है, और जैसे बाकी बाजार को मजा आता है आपको खरीदने में, वैसे जरा वित्त बाजार की बातें समझे और अंतर समझे। फाइनेंशियल मार्केट का पहला डिफरेंस है, यहां पे यू कैन बाय एंड सेल ऑल्सो। कपड़े के बाजार में कपड़ा खरीद के आए, पहन लिए, बेचने को नहीं जा पाओगे ना। तो ये सारे बाजार जो पिछला दिखाया मैंने, यहां सिर्फ बाई बाई है, खरीदो खरीदो खरीदो। तो आप जिसको सिर्फ खरीदते हैं इस विचार से कि आपको बेचना नहीं है, इसको खपाना है, खपत करनी, कंज्यूम करना है। यहां जब आप खरीदते हैं तो आपके मन में एक खरीदते दिन ही पहला विचार मन में आता है, बेचूंगा कब, मुनाफा कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, पहले दिन ही, बाइंग के दिन ही। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारा लेसन क्या है, जस्ट लाइक अदर मार्केट, अगर आप जैसे इन बाजार में खरीदारी करते हैं वैसे ही अगर फाइनेंशियल मार्केट में खरीदारी करने का अपना साइकोलॉजी बना ले तो कभी वेल्थ की दिक्कत नहीं होगी। तो वो साइकोलॉजी कैसे डेवलप होगी, जब हम यहां से ये पार्ट स्टार्ट दें, बेचने की सोचे नहीं, खरीदने की सोचे। बेचना तब पड़ता है जब जरूरत हो, लिक्विडिटी चाहिए, घर में जिस मकसद से लगाया है वो मकसद आ गई, रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे थे, अब रिटायर हो गए तो उसका खाना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए सेव कर रहे थे, बच्चा आ गया पढ़ाई में तो निकालना है, वगैरह वगैरह। हम लोग एक्चुअली बेचने के लिए खरीदते हैं, किसी भी गड़बड़ा जाते हैं। गड़बड़ा कहां जाते हैं, आपने खरीदा यहां, आपको पता नहीं है क्योंकि आपको इंतजार कर रहे थे बेचने का, मार्केट गिरी और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू ये है, आप फियर में आ गए क्योंकि आपको तो बेचना था, आपको लगा रहा है आपको बेच नहीं पाऊंगा, लग रहा है ये नीचे चला जाएगा, आप नहीं बेच देते। फिर ये जब ऊपर आता है तब आप पछताते हैं, या फिर अगर यहां आ जाता है मान लो सीधा भी, तब भी आपको लालच आता है और आप बेच देते हैं। तो फियर ये ग्रीड दोनों ही आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय। तो सेकेंड लेसन फॉर यंगस्टर, स्पेशली जो लोग यहां स्टार्टर हैं उनके लिए, कि कभी भी फियर और ग्रीड से बच के चलने का तरीके को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और फियर और ग्रीड के साथ जिंदा रहने को ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग। सो आपको तय करना है, दोनों बुरा नहीं, ट्रेड करना एक बिजनेस है, शेयर बाजार में डीमैट खोल के शेयर खरीदना और शेयर को बेचना इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स अ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस एक्यूमेन है नो प्रॉब्लम, कोई पाप नहीं, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना बिल्कुल शौकिया है, लेकिन एक्यूमेन होना चाहिए बिजनेस की। बिजनेसमैन और शेयर ट्रेडर में यह अंतर होता है, शेयर ट्रेडर एक आम आदमी आगे बन जाता है, उसे झटका बर्दाश्त करने की औकात ही नहीं है, उसे रिस्क टॉलरेट करने की समझ नहीं है, उसे यह पता नहीं कि पूंजी जब गिर जाती है तो और डाल दिया जाता है, और डाल देता है बिजनेसमैन मंदी में, और डालता है बिजनेसमैन मंदी में, खरीदता है तेजी में, बेचता है, लेकिन यहां सब उल्टा होता है। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर लूजर हो जाते हैं। जिस दिन आपने अपने मन से यह बात हटा ली, अब मेरी डॉटर एग्जाम्पल मुझसे चैलेंज करती है कि आपका ये तर्क, मैं प्रूफ करती हूं ट्रेड में मैं कमा के दिखाऊं। आप कहते हैं तुम कमा के दिखाओगे 30 साल 25 साल बाद, मैं पिछले 30 साल के इतिहास उठा लूं जिसमें बड़े बड़े वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम एग्जांपल, कई स्टोरी है पढ़ लीजिए, रात जिन जिन वाला XYZ, किसी ने भी वेल्थ ट्रेड से नहीं बनाया, किसी ने भी। अभी राकेश जूनियर वाले के इंटरव्यू आया कि मुझे बीपी हो गया, मैं तबियत खराब हो गया, अगर मैं ट्रेडर नहीं होता तो मेरी एंग्जाइटी का लेवल वो नहीं होता, मेरी तबियत वो नहीं होती, मैं इन्वेस्टर होता तो मैं ऐसे बिलियनर हूं। लेकिन वो शौकिया ट्रेड करते, उनको किक मिलती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेड करते हैं, उनको नेट में कुछ नहीं मिलता। तो यहां इंफिनिटी हमेशा ये लेसन देता रहा, मेरे पास भी शेयर बाजार है, मैं भी डीमैट खोलता हूं, मेरे यहां भी टर्मिनल लगा है, आप आके देख लीजिए, कभी भीड़ नहीं होती क्योंकि हम प्रमोट नहीं करते। हम कहते हैं यार शेयर खरीदने के लिए आओ ना, ट्रेड करने के लिए मत आओ। सो नाउ यहां से आगे बढ़ते थोड़ा सा, एंड व्हाई डू यू बाय, चलिए बाय पे आते हैं। दूसरे बाजार में आप इसलिए खरीदते हैं आपकी जरूरत है, भूख लगी है सब्जी ले आएंगे, कपड़ा चाहिए कपड़े खरीद लेंगे, ये रिक्वायरमेंट है। फाइनेंस मार्केट में क्यों नहीं हम रिक्वायरमेंट के लिए हिसाब से खरीदते हैं,
लोग ये नहीं करते हैं, सिर्फ एज पर द आरबीआई सर्वे 3% इन्वेस्टर, 3% अगर 100 लोग इन्वेस्ट करें उसमें 3% लोगों को पता है कि मैं क्यों खरीद रहा हूं, 97 कोई पता ही नहीं है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ लिटरेसी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे हम आज आपको एड्रेस कर रहे हैं, या आरबीआई सेबी के प्रोग्राम के तहत बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे होते हैं ऑल इंडिया, वहां यही चैलेंज हमें बताती है गवर्नमेंट कि अवनेश जी जाइए इंडिया को बताइए कि भाई बिना मकसद के क्यों खरीद रहे हैं। अब मकसद की जब बात ही आती है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये 97 इसमें दे बाई फॉर प्रॉफिट, उनको बस मुनाफा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर गोल के हिसाब से निवेश करने लगे, अगर जिंदगी में हर निवेश को गुल्लक की तरह बना लिया, हर गुल्लक का अलग फीचर होता है और वही आपको सीखने के लिए सब्जेक्ट शुरू होता है। तो 3 सीखने के लिए सब्जेक्ट है किसी भी फाइनेंशियल इंस्पायरिंग लर्नर को या ट्रेनी को, ये 3 बातें सीखनी चाहिए। पहला, गोल बनाते कैसे हैं, रिक्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। लोगों को गोल ही नहीं पता होता, वो कहते हैं गोल क्या है यार, पैसा लगाओ पड़ेगा, ठीक है दैट्स ऑल, मुझे पैसा बढ़ाना है, दैट इज माय गोल। ऐसा नहीं होता, हर गोल के अलग तरीके से व्हाट टू बाय डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, मेरा गोल है मान लो 10 साल बाद मैं पूरे फैमिली के साथ यूरोप टूर करना चाहता हूं, आज उसकी कीमत 10 लाख है, महंगाई लगा के 10 साल बाद मोटा मोटी मुझे चाहिए होगा करीब 15 लाख रुपया। तो अगर मैं 15 लाख की सेविंग का एक गुल्लक बनाता हूं और उसमें कुछ डालता हूं, और मोहित से आप पूछने आए, मोहित सर कौन सा स्कीम डालूं, उस पूछेगा मकसद, आपने बोला यूएस यूरोप ट्रिप, बोला अच्छा ऐसा कर तू स्मॉल कैप में डालते, स्मॉल कैप या कोई सेक्टर फंड, बड़ा हाई रिस्क, हाई रिस्क मतलब 10 का 20 हो जाए या 10 का 18 हो, हाई वोलेटिलिटी। मोहित ने ऐसा क्यों बोला होगा, क्योंकि उसको लगा कि ठीक है यार इस साल 15 लाख के बजाय 7.5 लाख हो गए 10 साल में, इट डिडंट डू वेल, तेरा क्या जा रहा है, तेरा ट्रिप पोस्टपोन हो रहा है, जिंदगी नहीं खत्म हो रही, बच्चे की पढ़ाई नहीं रुक रही, रिटायरमेंट खराब नहीं हो रहा वाला। तो दिस प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव बिकेम अ रिस्की प्रोडक्ट एंड सुटेबल टू यू, सुटेबल टू यू। अब इसका देखिए दूसरा थी, 10 साल में एक यही वाला जैसे अभी सीजन चल रहा है वैसा एक साल आ गया, एकदम धड़ मार्केट 45% 50% भाग गई, सब कुछ दुनिया बदल गई, तो आप यूरोप 10 साल की बजाय 5वें साल चले जाना, क्या बुरा है। तो दोनों साइड आपके पक्ष में है। ऐसे प्रोग्राम जब गोल मेरे सामने खड़ी होती है, हम जैसे एडवाइजर को बहुत आसान होता है आपको बसाना, बहुत आसान होता है आपको सिलेक्ट करना। और गोल के लिए जो चैप्टर 1 मैं समझाने जा रहा हूं वो जरा ध्यान से देखिए, जनरल इन्वेस्टमेंट जर्नी हर इंसान का, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, जैसे ही वो अपने पांव पे खड़ा होता है 25वें साल से जनरली जब वो अर्न करने लगता है, उसका ये इनकम फेज कहलाता है। और उस इनकम फेज में 60 साल तक की उसके पास भगवान ने वक्त दिया है, अमूमन ज्यादा नौकरी कर लो कोई बात नहीं, काम कर लो, बट एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आपको 35 इयर्स का वक्त मिलता है। अब उस 35 साल में हमारे एक्सपीरियंस से और आरबीआई के डेटा के हिसाब से लोग कितना फेज बर्बाद कर देते हैं, इतना फेज तक वो सेव नहीं कर पाते, और ये फेज होती है आपकी जनरली नीड फेज। आपको घर खरीदना है, गाड़ी लेना है, आप हर समय लोन के डेट पे हो जाते हो, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी सेविंग स्क्वीज रहती है। जो ये एज होती है 40-45, आदमी के पास जनरली बचता है 15 साल या 10 साल अपने लाइफ के बेसिक से। ये आरबीआई का एवरेज डेटा है, मे नॉट बी ट्रू विथ एवरीबडी बट दिस इज द डेटा। वो लोग लकी होते हैं जिनके इस फेज में उनको सेविंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वेरी लकी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सब जानते हो कि जब कंपाउंडिंग होती है तो 8% का रिटर्न भी 40% के रिटर्न जैसा दिखने लगता है, क्योंकि 8 पहले साल तो 100 और 8 मिलके हो गए 108, अगले साल 116 पे 8% और बड़ा, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट के चलते 8% भी बहुत होता है और आदमी बड़ा पैसा बना लेता है, जिसका नमूना पीपीएफ खातों में देखा गया है। लोग पीपीएफ खाता छोटा सा खोलते हैं, 8% मिलती है मात्र, लेकिन वो पीपीएफ जब आप रिटायर होते हैं 70 लाख 80 लाख 60 लाख ऐसे बन जाती है, सभी के बने। तो लोगों को ये सुख
और ये रिटर्न का फायदा पीपीएफ में देखने को मिला है, और यही आपको सिखाता है कि यू डोंट हैव टू चेज रिटर्न। आपको 40, 20, 50 भागने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेव करने की जरूरत है। सेव, सेविंग एट द राइट प्लेस विद अ मिनिमम रिटर्न ऑल्सो कैन इजिली फुलफिल लॉट ऑफ गोल। अब मेरे पास कुछ लोग मान लो यहां आए और उन्होंने कहा अग्रेश जी मेरे बेटी है अभी 4 साल की और मुझे उसको एजुकेशन के लिए सेव करना है। तो फॉर्मूला नंबर 2 इज टू गॉज कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। बहुत लोग बिना सोचे समझे बस सेव करते रहते हैं। जब बच्चा एक्चुअली 18 साल का होता है पापा मुझे यूएस जाना है या उसका क्वालिफाई हो गया और आपको 1-1.5 करोड़ की फीस दिख रही है, तो नो, तुम इंडिया में पढ़ो, इंडिया इज बेस्ट। आप विदेश उदेश हमारे यहाँ नहीं जाते बच्चे, क्योंकि आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा, तो आप कहानी दूसरे बनाओगे। तो अल्टीमेटली यहां पे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि आपको पहले हम जैसे एडवाइजर से कैलकुलेट करा लो कौन कौन से गोल जिंदगी के कभी नहीं पूरे कर सकते हो आप, भूल जाओ उसको, और कौन कौन से कर सकते हो, और अगर जो नहीं पूरे कर सकते हो वो पूरा करना चाहते हो तो रिस्क लो, हाई रिस्क प्रोडक्ट का हमें ग्रीन सिग्नल दो, देखते हो साला 10 का 20 हो गया तो बन गया, नहीं बना तो ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब चर्चाएं हमारे यहां होने चाहिए, और आप लोगों को खुशखबरी दें कि इस 17 साल में जब हम लोगों ने मेहनत की, समझा, तो हमें यह समझ आया कि हमें जरूरत है एक डिस्कशन रूम की, हमें जरूरत है एक कॉफी रूम की जहां हम ऐसी चर्चाएं कर पाए, अपॉइंटमेंट पे, बुकिंग पे लगातार कर पाए। तो इंफिनिटी ने अपना पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ के हम लोग 15 या 17 तारीख को आएंगे, जरूर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज मिलेंगे। वी आर मेकिंग अ रियली डिफरेंट ऑफिस which has got a proper room for this discussion. 1, 2, 3 different rooms रहेंगे, हर counselor आपके साथ बातें करेगा, आप अपने दिल की सब बात बताइए, समझिए, this is what is our new initiative which we have taken. Anyway, तो general investment journey में यहां वाली चीजों में आप ना फंसे, इसलिए पहला आज का ये lesson लीजिए कि सेविंग की तरफ पहले सोचिए, कहां लगाएंगे मत पूछो मुझसे, यहां फोरम पे गए जी कहां लगवाओगे मत पूछो, मुझसे ये पूछो जरा मुझे बता देंगे कि मुझे कितना लगाना है, कितना लगाना वाला सवाल आपसे बेटर मैं बता सकता हूं। जब मैं पूछूंगा कि आपकी घर में कोई बहन है, हाँ है, बड़ी बहन है, हाँ है, उनकी बेटी है, है, उसकी शादी के लिए कुछ तुम्हारा जेब से जाएगा भाई, कितनी उम्र है, बोला 4 साल, उसके लिए कोई एसआईपी खुली है, कोई गुल्लक खुली है, जब शादी होगा तो तुम्हें बुलाया जाएगा, ऐसे भाई तेरा फर्ज बनेगा कुछ मोटा चेक देने का, उसका कुछ रखा है 500 रुपया महीना, तो बोलेगा नहीं नहीं ये तो सोचे नहीं मैंने, तो एक गुल्लक बन गई। इसी तरह पापा की एज क्या है, इतने है, मैरिज एनिवर्सरी कब आएगी, 50वीं, अभी 6 साल बाद आएगी, मैरिज एनिवर्सरी करोगे, कुछ गिफ्ट दोगे, कुछ खर्चा करोगे, उसका एक गुल्लक बनेगी। अपना 25वां कब होगा, बच्चा कहां पढ़ता है, कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा बच्चा स्ट्रांग है, कोई बच्चा कमजोर है पढ़ाई में, चीजों में, नौकरी में, पढ़ाई कुछ, उसको सपोर्ट लगेगी नहीं तेरी, उसके लिए कुछ मार्जिन बना ले, कोई दिन हाथ फैलाएगा, पापा आपसे चाहिए। नहीं फैलाने वाले बच्चे एकदम कॉम्पिटेंट है फिर भी पैसा चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप अपने बच्चों को अपनी तरह स्ट्रगल नहीं देखना चाहते हो, आप उसके घर का अभी से प्लानिंग कर रहे हो कि बेटा मार्जिन मैं दूंगा, जिस दिन जॉब करेगा उस दिन से तू ईएमआई पे घर ले लेना, मार्जिन मैं भरूंगा क्योंकि मैंने तेरे नाम की एक एसआईपी खोल रखी थी, वगैरह वगैरह वगैरह। सो देयर कैन बी मल्टीपल गोल्स, वो गोल बना के पहले तो हम नीचे इन्फ्लेशन लगाते हैं, इन्फ्लेशन लगा के गोल को बड़ा कर देते हैं, बड़ा करने के बाद हर पड़ाव के हिसाब से कहते हैं लाओ 25,000 रुपया महीने का लगेगा, तब तेरे ये गोल ऐसे पूरे जाएंगे, ये गोल ऐसे पूरे जाएंगे। अब आपने कहा 25 नहीं है भाई, अवनेश भाई 5,000 से ज्यादा नहीं दे सकता, तो गोल कटेगी या गोल के अंदर रिस्क घुसेगा, गोल कटेगी या रिस्क घुसेगा। फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपए से आपके सब सपने पूरे कर दूंगा 12%, यानी कम रिस्क लेकर। आपने कहा ना ना मेरे पास तो 5 ही है, तो मैं बोलूंगा भाई फिर तो 20-30 वाला पत्ती खेलनी पड़ेगी, तुम्हारे म्यूचुअल फंड से काम चलेगा नहीं, तुम्हें शेयर बाजार में कूदाना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा कमोडिटी का सट्टा खेलना पड़ेगा, चला तो ठीक नहीं चला तो एक गोल कटेगा, वगैरह वगैरह डिस्कशन आराम से खुलने लगता है। लेकिन कुछ भी हो जाए अंततः मेरे हर ग्राहक की हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव, आज मैं हूं कल मैं ना रहा, ये कंपनी जो रहेगी इसकी फिलॉसफी यही रहेगी, जो ग्राहक यहां पे है उन सब का 60+ से एन्यूटी स्टार्ट होना चाहिए। मैं आपका फैमिली मेंबर की तरह हूं, और मैं आपके जो लोग रिटायर्ड हैं उनके बेटे की तरह हूं, जो लोग रिटायर होने वाले हैं उनका भाई की तरह हूं, हम ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही सोच है हमारे अंदर कि आप जिस दिन रिटायर करें आपकी तनख्वाह से ज्यादा पैसा आपके पास आए, पेंशन का युग गया, खत्म कर दिया,
अब सब आप रिटायर हो गए, आपको खुद अपना प्लान बनाना है। एनपीएस आपके लिए खोल दिया दिखाने को झूठा मूठा, क्योंकि एनपीएस इज नथिंग बट अ म्यूचुअल फंड, इट इज ऑल्सो म्यूचुअल फंड, तो नाम दे दिया एनपीएस, लेकिन अदरवाइज करना तो अभी को है, इक्विटी में डालूं कि हाइब्रिड में डालूं कि डेट में डालूं। कुल मिला के एन्यूटी खड़ा करने के लिए हमें क्या चाहिए, 60 से 100। ये भी बात जान जाइए, सपने में जितने लोग बैठे सब कोविड सर्वाइवर हैं, सब अब 99-100 जाएंगे, क्योंकि दो दो इंजेक्शन लगवा चुके हो, डर रहे हो कि पता नहीं ये खाऊंगा तो हो जाएगा, सिगरेट छोड़ दी, दारू छोड़ दी, नॉनवेज छोड़ दिया, गंदी गंदी चीजें खाना बाहर की छोड़ दी, सब अब लंबा जियोगे। जब लंबा जियेंगे तो आपको 30 साल तो मिनिमम खाना है, तो 60 में रिटायर हो जाओगे, 30 साल नौकरी के थे, 30 साल खाने के पैसा अनफ होना चाहिए, नहीं तो सब महंगाई हो जाएगी, और महंगाई तो भागेगी ही भागेगी। महंगाई का मतलब होता है रुपया की वैल्यू गिरना, आपका रुपया बेकीमती होता जा रहा है, इसलिए क्योंकि रुपया रिफ्लेक्ट होता है शेयर बाजार। इंफोसिस का शेयर 700 का था, बहुत अच्छा लगता था, 1600 का हो गया, यानी जिस आदमी के पास 100 रुपए का 100 इंफोसिस था, आज वो 100 में से जो वैल्यू उस समय थी उसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी महंगाई बढ़ गई। इक्विटी मार्केट 50,000 का हो गया, निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी 18,000 की हो गई, 60,000 हो गया, तो ये क्या हुआ, महंगाई है। जैसे आलू महंगी हो गई, प्याज महंगी हो गई, शेयर बाजार महंगा हो गया, एवरीथिंग इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेशन जब आता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो अल्टीमेट, बहुत लोग यहाँ कमरे में सोच रहे होंगे बाजार अच्छा चल रहा है, हाउ आर यू, वेरी हैप्पी, हमसे कोई बोलता है मार्केट बहुत हाई चल रही है, अवनीश जी आप तो खुश हो रहे हैं, हम लोग खुश नहीं हो रहे हैं, मेरी हालत खराब हो रही है कि इतना महंगाई, इतनी महंगाई में कैसे जिएंगे, 60,000 का मिल रहा है सेंसेक्स, कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, मतलब कि भाई साहब मेरी तनख्वाह तो उतनी है, उस तनख्वाह में मैं पहले 2 निफ्टी खरीद लेता था, आज मैं उस तनख्वाह में 1 निफ्टी खरीद पा रहा हूं, पहले मेरी तनख्वाह में 10 इंफोसिस आ जाती थी, अब 5 इंफोसिस भी नहीं आ रही, तो महंगाई है ना, सेम लाइक प्याज आलू। ये महंगाई आपको 60वें साल अगर मिलने लगेगी तो आप तो अपने लिए कमाने का कोई रास्ता ही नहीं ले पाओगे। ब्याज दर कम हो जाएगी 3%, 3.5%, सरकार बोलेगी नहीं दे पाऊंगी, मैं तुमसे उधार नहीं लेती, आप रिटायर हो गए, अरे सर प्लीज पैसा ले लो यार, 8% तो दे दो, बोलेगी ना तेरे को पैसा रखना है, अगर चोरी का डर है तो हमसे ले लो, हमको तो जापान में ही चल रहा है, अमेरिका में ही चल रहा है, जापान में आप पैसा रखेंगे तो बैंक आपसे फीस भेज देता है, हाँ भाई आपके पैसे की रखवाली करने के लिए 1.5% लोग नहीं देते, बिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं, लोग ताज्जुब करते क्यों देते, क्योंकि आप उनके लिए सेविंग ही जरूरी है, रखना जरूरी है, वो घर में नहीं रख सकते। अल्टीमेटली ये फेज का क्वेश्चन कैसे हल होता है, जब आप यंगर फेज में स्मार्टली इस वाली किटी का प्लानिंग करते हैं, ये आपका अनेकों गोल का बादशाह है, सबसे बड़ा गोल रिटायरमेंट गोल, बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे खाएंगे। जो लोग को मेडिक्लेम नहीं है, जिनको अपने कंपनी से ग्रुप इंश्योरेंस नहीं है, बहुत सारे ग्रुप इंश्योरेंस भी मेरे कुछ कलीग्स आप लोग बैठे हो, मान लो आप लोग टाटा में हो और आप लोग को ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है, तो रिटायर कर जाओगे तो नहीं मिलेगा भाई, तो लोग रिटायर होते ग्रुप इंश्योरेंस वाला तो सबसे ज्यादा फंसता है, वो जैसे रिटायर होता है वो मेडिक्लेम ढूंढता है प्राइवेट, वो मेडिक्लेम उसे मिलेगी 40,000 रुपए प्रीमियम की आज, क्योंकि आप बूढ़े रिटायर हो गए बीमारी से घर गए हो, तो वो बेचारे क्या करें, तो उनको एक गोल बनाना पड़ेगा, मेडिकल किटी गोल, 2,000 रुपए महीने का अलग करना पड़ेगा कि जब मैं रिटायर हूं तो 10 लाख की ये किटी बन जाए, ताकि मेरे परिवार का कोई मेंबर बीमार हुआ तो मैं यूज करूंगा। तो आपको जो मैं गोल की कहानी सुना रहा हूं दोस्तों, ये बहुत इन्वेस्टमेंट जर्नी का अहम पार्ट है, आपको इस इनकम फेज में सारे गोल के लिए जो जो आपके लिए हो, मैं फिर अपील कर रहा हूं, मेरे यहां आइए, बैठिए, टाइम लीजिए, मेरे आरएम को बुलाइए और अपने ऐप और मेरे वेबसाइट के अंदर उन गोल को रिकॉर्ड करिए। गोल खाली बोल रहे से नहीं होगा, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड गोल के सिस्टम है हमारे सिस्टम में, उसके बगल में आपके निवेश लिखे रहेंगे, जैसे आपने मुझे बिरला म्यूचुअल फंड में मान लो 50,000 दे दिया और आपने कहा अवनीश भाई ये वो वाला है, तो हम लोग तुरंत मेरी ऑफिस की स्टाफ उसको टैग कर देगी कि अच्छा ये 50,000 जो है ये क्या है, आपकी रिटायरमेंट का सर, हाँ हाँ रिटायरमेंट। तो जब आप हमसे पोर्टफोलियो मांगेंगे, उस पोर्टफोलियो में लिखा रहेगा ऊपर ये वाला पैसा रिटायरमेंट, ये वाला पैसा बच्चे की पढ़ाई, ये वाला पैसा घूमने पिकनिक, ये वाला पैसा नो गोल। अभी मेरे इन्फिनिटी में 12,000 ग्राहक है, मुझे लगता है कि हार्डली 1,000 लोगों का ऐसा स्टेटमेंट होगा मात्र जिसमें गोल लिखा है, 1,000 लोगों का।
10,000 क्लाइंट बिना गोल के आज भी, इतने भाषण के बाद भी। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम पूरे देश की है। प्लीज उसको कोशिश करिए कि ना हो। और फाइनली रिटायरमेंट, हमारे यहाँ 70% लोग रिटायर्ड हैं। ये भी एक ये खराब बात लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं तेरे यहाँ तो जनरेशन न्यू जनरेशन के लोग नहीं है। हमने कहा भाई न्यू जनरेशन तो सेव ही नहीं कर पा रहा है, तो वो आ नहीं रहा है और वो ट्रेडर है, इसलिए मेरे यहाँ नहीं आ रहा क्योंकि मेरी फिलोसफी मैच नहीं कर रही। जब सेविंग करने वो शुरू करता है तब आता है। 70% लोग मेरे 50+ है, तो इसलिए मेरा जो सब्जेक्ट है वो एन्युटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एन्युटी आज इस टॉपिक पे मैं 2 मिनट और जरूर लूंगा ताकि आप लोग उसको समझे। एन्युटी क्या होती है? 2 तरह से होती है। एक, सारा पूंजी किसी फिक्स्ड डिपॉजिट में या फिक्स्ड रिटर्न देने वाली प्रोडक्ट में डाल दो और मंथली इनकम ले लो। और एक, मंथली इनकम तो लो मगर जिसमें डाला है वो हो सकता है कि फिक्स्ड ना हो, वो ऊपर नीचे चलता रहे, यानी पूंजी फ्लक्चुएटिंग हो, इनकम फिक्स्ड हो। तो क्या होता है कि 8-10 साल बाद आपका 100, 1 करोड़, 10 करोड़ भी बन सकता है, 1 करोड़ 90 लाख भी बन सकता है। तो ये जो रिस्क है, इसको लेने के तरीके को हम लोग म्यूचुअल फंड SWP कहते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अभी मेरी बात पे मत पकड़िएगा कि 1 करोड़ 90 हो जाएगा 10 साल बाद तो मैं क्या करूंगा। उसके लिए प्रोडक्ट ऐसी चुनी जाती है जो 1 करोड़ का 90 ना हो, उसको हम लोग अलग कैटेगरी में डालते हैं, उसे बैलेंस एडवांटेज कहते हैं या डायनामिक एसेट एलोकेशन कहते हैं, वो मुद्दा बात का है। बट कुल मिला के जो लोग फिक्स्ड में हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है, 10 साल बाद बेचारे खाते खाते आए और पता लगा अरे महंगाई बढ़ गई और मेरी 1 करोड़ की वैल्यू गिर गई, तो उनको वो ही मंथली इनकम कम पड़ने लगता है। और आपको अभी दिखाया मैंने कि 30 साल जियोगे भाई, तो अगर 60 वाला आदमी को 25-30 साल निकालने पड़ गए बड़ बीमारी के साथ, खर्चे पानी के साथ, और जब पोता पोती खड़े हो गए और उनको भी गिफ्ट करना, बच्चों को भी गिफ्ट करना, घूमना भी है, कई फैमिलीज के बच्चे विदेश में आए, एक बार माँ बाप के जाना पड़ गया तो वो झटका अलग। कुल मिला के आप समझ लीजिए ये फेज बहुत टफ होता है। इसलिए डिसीजन ऑफ एन्युटी, जो लोग यहाँ रिटायर्ड हैं शायद वो एंजॉय कर रहे होंगे, हमारे यहाँ एन्युटी मंथली करीब करीब हम लोग 5 से 10 करोड़ रुपया देते हैं। सब छोटे छोटे क्लाइंटों का अगर मैं समअप कर लूं तो 10 करोड़ के आसपास हम एन्युटी है। और उन सबकी एन्युटी का किसी का भी ब्लाइंड क्लिक करके स्टेटमेंट मेरे ऑफिस में मांग लीजिए, उनकी प्रिंसिपल उनके लगाए मूल्य से कम 5 से 7% ऊपर। तो क्वेश्चन है कि एन्युटी कितना? हमारे देश में पर लाख 650 रुपए से ज्यादा अगर कोई खा रहा है तो वो उत्साहित है, मतलब ज्यादा खा रहा है, अपनी उम्मीद से ज्यादा खा रहा है, उसकी लालच है। 650 इज द मैक्सिमम बेंचमार्क, ये हर बार 5 साल में रिसेट होती है। 650 का मतलब क्या हुआ? 7.2% पर एनम अराउंड। तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप पूंजी डाल दें और मंथली इनकम ले लें तो मिलेगा 630 रुपया महीना। सीनियर सिटीजन स्कीम में डाल दें और बोले कि मुझे एन्युटी दे दो तो मिलेगा 630 रुपये। LIC, व्यय बंधन, प्रधानमंत्री योजना, ये वो जहां डाल दें 620 रुपया। अब ये 620 और 630 रुपया जहां मिल रहा है उसकी जो पूंजी का सोर्स है वो फिक्स्ड है, वो बढ़ नहीं सकती। मेरी वाली जो स्कीम चल रही है उसमें पूंजी बढ़ भी रहा है, 620 तो जो आपको बात के दोस्त को मिल रहा था वो आपको भी मिल रही है। ना लोग कहते हैं रिस्क है, तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूं जिनके पेरेंट्स हैं, आप प्लीज अपने पेरेंट्स को समझाएं और कहें, क्योंकि आप इन्हें जैसे मेरे फादर को या मोहित के फादर को मान लो मंथली इनकम चाहिए थी, तो मैंने कहा पापा अगर आप बैंक एफडी वाले पैसे से अपना जीवन तो 100 साल निकाल लोगे, जब वो मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे लिए तो चिल्लर बन जाएगी, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो क्यों ना आप मेरे बताए हुए तरीके से निवेश करिए, मंथली आपको खाना था ना, आप खाइए। आपका पूंजी अगर घट जाता है तो मैं हूं टॉपअप कर दूंगा, और बढ़ गया तो मैं इनहेरिट जब करूंगा तो मुझे तो अपनी पेंशन प्लानिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये यंगस्टर के लिए बहुत बड़ा टिप्स दे रहा हूं। मेरे फादर का SWP का 15वां साल हो रहा है, टाटा की स्कीम थी, 10 लाख लगाए थे, 65 लाख है।
मंथली खा रहे हैं 12,000 मंथली खा रहे हैं 15 साल से, 10 लाख की वैल्यू 65 और है, मेरी तो रिटायरमेंट प्लानिंग पापा ही नहीं कर दी। मेरा छोटे भाई को इतना अट्रैक्टिव लगा, बोला भैया ऐसा करते हैं मैं अपना रिटायरमेंट वाला गोल पापा से पूरा कर देता हूँ। कर लो भाई, उसने पापा का टॉपअप कर दिया 25 लाख बना दिया। वो डालता है, उसको जो सेविंग करना हो पापा में डालता है, कहता है अल्टीमेटली है तो हमारे पापा को मंथली से इनकम था, मतलब था आप खाइए मंथली जितना दिन खाना है, तो हम दोनों भाई का तो एक एक दो दो करोड़ का इंतजाम हो जाएगा। भगवान करे मेरे पापा 100 साल जिए, लेकिन जब भी मुझे मिलेगा, और नहीं भी मिला, मेरे पापा जीवित और मैं रिटायर कर गया, हम पूरा परिवार खा सकते हैं उसमें, क्योंकि वो फूल रहा। सेम इज विथ अदर एग्जांपल्स। ये था छोटा सा लेसन, सॉरी आप लोग को इस पे थोड़ा टाइम लिया, लेकिन यही के बाद अब हम मेन सब्जेक्ट पे आते हैं, वो है करेंट मार्केट एंड करेंट टिप्स। तो धन बनाने की विधि जैसा आप लोगों ने समझा, रीजन मैंने आपको पहला चैप्टर जो कंप्लीट किया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना गोल के, बिना मकसद के निवेश मत करिए, सही नहीं जा पाएंगे आप। ट्रेड मत करिए, ये नहीं बोलूंगा, ट्रेड करिए तो एक्यूमेन होना चाहिए। डोंट ट्रेड एज ए लेमैन, ट्रेड एज ए बिजनेसमैन, धंधे की तरह काम करो। फिर खरीदो तो खरीदो, बेचना है तब बेचना है, खट से उड़ाओ, इंफॉर्मेशन अच्छी पकड़ो, न्यूज लो, और ये जान जाइए टीवी में जो भाव दिख रहा है वो भाव असली नहीं होता, वो दो लोगों के बीच मैच होने के क्रम में बनता है। आज वो दो लोगों को लगा ये है, कल लगेगा नीचे, आप तो मुख बने देख ही रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर है उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि टीवी में 60,000 सेंसेक्स है या 6,000। मैं कह रहा यार मैंने टाटा मोटर का शेयर लिया, वो कंपनी चल रही है, मारुति का लिया, वो कंपनी चल रही है। जिस दिन मारुति की खबर आएगी कि वो कंपनी बंद हो रही है, उसको इलेक्ट्रिक कन्वर्जन नहीं हो पा रहा, लेबर छोड़ रहे हैं, मैं छोड़ दूंगा वो शेयर। शेयर खरीदने का मतलब होता है किसी भी कंपनी में हिस्सा लेना। तो धन बनाने की विधि में जरा हम प्रोसेस करें, तो हमारे को कुल ये बातों का ध्यान रखना है। आपको अपने रिटायरमेंट तक की अवधि में होने वाले खर्च के नाम के गुल्लक बनाने हैं। टिप्स वन, गुल्लक अगर घर में नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट मार्केट से बाहर हैं। अभी भी गुल्लक बनाइए। गुल्लक को हिंदी में, अंग्रेजी में SIP का नाम आजकल पॉपुलरली बोला जाता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में, शेयर में, किसी भी चीज में लगाया जा सकता है। आप गुल्लक बना के उसमें हर महीने सोना खरीदने लगो, आप गुल्लक बना के हर महीने उसके अंदर चावल खरीदने लगो, उसके अंदर शेयर खरीदने लगो। हम लोग म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हैं, लेकिन SIP आप किसी भी चीज में लगा सकते हैं जिसका भी भाव ऊपर और नीचे होता है। दूसरा, उस गुल्लक में मासिक बचत डालना जरूरी है, रेगुलर करिए। उस बचत को कंपाउंड इंटरेस्ट से बड़ा करना होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट से तभी बड़ा होगा जब आप ये छोटा सा फॉर्मूला समझे कि जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में आपकी SIP आती है, आपकी यूनिट बड़ी होती जाती है। देखिए यूनिट, ये स्नो बॉल थ्योरी कहलाता है। जब आपकी यूनिट आपके 10-15 साल के SIP में इतनी बड़ी हो जाती है, तो एक रुपया भी अगर प्लस हुआ NAV में, मार्केट प्राइस में, तो इतने बड़े रुपये पे प्लस होगा ना। तो अगर मान लो आपके पास 10,000 यूनिट जमा हो गए और एक रुपए से NAV बढ़ी, तो व्हाट इज योर प्रॉफिट? 10,000 रुपीज। लेकिन अगर आपके पास ये है यूनिट टोटल और उस पर एक रुपया बढ़ा और यूनिट थी से 200, तो 200 × 1 = 200। तो क्या चीज SIP के लिए और गुल्लक के लिए महत्वपूर्ण है? मिनिमम 3 से 5 साल की वक्त होनी चाहिए ताकि आपका ये गोला यूनिट का बड़ा हो। दूसरी, कभी भी स्टेटमेंट पे रिटर्न नहीं देखने का है कि मेरा रिटर्न क्या आ रहा है, सिर्फ यूनिट देखने का है। लोग जैसे ही मेरे यहां से फोन आता है यार मेरा SIP स्टेटमेंट भेज दीजिए, उसमें देखते हैं 44%। अरे मोहित जी तो बहुत अच्छा है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करा दीजिए ना। अरे हमने कहा तुम 44 क्यों देख रहे हो? और कोई बोलता है मेरा -12 आ रहा है, भिजवा दीजिए भाई, अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा क्यों नहीं चल रहा भाई? सस्ते की मध्य में तुम्हारी वो खरीद हो रही है, तुम्हारे 10,000 पे पहले तुम्हें 100 यूनिट मिलते थे, अब 10,000 पे 200 यूनिट मिल रहे हैं, और तुम कह रहे हो बंद करा दो। तो लोग उठपटांग चीजें पूछते हैं, सवाल का जवाब एक ही है, गुल्लक में सिर्फ यूनिट देखा जाता है। यूनिट अपने अंजाम तक पहुंचता है जब बड़ा हो जाता है गोला, तब आता है मजा, और उस मजे को लेने के लिए अच्छा वक्त होता है 10 साल। वीडियो में अगर आप बोले तो 3-5 साल में भी ये मजा दिखने लगता है।
तो ये पुल्लक की लत हर बच्चे को, हर यंगस्टर को, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चों को बताओ, तो जो लोग आज सैलरी कमा रहे हैं फर्स्ट डे ही मान ले मेरी 40,000 नहीं मेरी 35,000 सैलरी, पहले दिन ही मान ले, उसी दिन से अपने पिताजी को कमिट कर दे, खुद कमिट कर ले, SIP खोल ले और वहां ह्यूमन इंटरफेरेंस करें। लोग आजकल रोबोटिक कर लेते हैं, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन यह है कि यू नीड अ काउंसलर, यू नीड अ पर्सन, यू नीड अ ह्यूमन इंटरफेरेंस। अपने बचत को बढ़ते हुए सीखना, देखना भी सीखना होता है। लोग इसको एहसास तभी कर पाते हैं जब उनको पता होता है मेरी ग्रोथ क्या है, और फिर उस गुल्लक से मंथली इनकम बनाना। अल्टीमेटली ये सारे गुल्लक जब आप रिटायर हो जाते हैं, जो उसकी रेसिडुअल इफेक्ट होती है, जो बच जाती है, उसको टोटल करके उल्टा बना दिया जाता है SWP का, जो मैंने एग्जाम्पल बताया। तो हो सकता है आपके बच्चे वाले गुल्लक बन के 1 करोड़ हुए, लेकिन आपकी बेटी ने 25 लाख में पढ़ाई उड़ाई हो गई, वहां बच गया। शादी के लिए आपने बनाया था वो बच गया, आपने कुछ और बनाया था वो बच गया। फिर आप रिटायर होते हैं तो आपको वो सब रेसिडुअल एक जगह कंसोलिडेट करके SWP बना लेना चाहिए। सवाल ऑब्वियसली आएंगे, गुल्लक बनाने की शुरुआत कैसे करूं, कौन से स्कीम में बेहतर होगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको मिलना होगा, बातें करनी होगी, एंड दैट्स व्हाट वी डू, दैट्स व्हाट इज अवर बिजनेस। धन की बात में लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहां कमाएं, दिस इज माय लास्ट चैप्टर। तो धन कमाने के तरीके सबको पता है कि या तो नौकरी करो, तनख्वाह मिलेगी, उससे घर चलाओ, बचता है तो कहीं लाभ दूसरे जगह लगा सको। दूसरा है अपना खुद का बिजनेस करो, यानी धंधा डालो, उससे कमा लो। और तीसरा बड़ा आसान तरीका है, दूसरों का बिजनेस लगा लो। जो लोग अच्छा कर रहे हैं, नारायण मूर्ति बेचारे दिन भर मेहनत कर रहे हैं, रतन टाटा मेहनत कर रहे हैं, फलाना मेहनत कर रहे हैं, मुकेश अंबानी दिन भर रो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, आप जाके इनका शेयर खरीद लेना चुपके से, मेहनत तो वो कर रहे हैं, फल तो आपको मिल रहा है। तो शेयर बाजार इज द मोस्ट बेनिफिशियल वे एंड रूट टू धन कमाने का। लेकिन यहां खतरा क्या है, खतरा है आपके इमोशंस का, खतरा बाजार का नहीं है, खतरा आपके खुद के दिमाग का है। कहीं आपने दो लोगों को देख लिया कि अरे उसने आज 670 रुपए का मारुति, सॉरी 8,000 की मारुति 6,000 में बेच दी, तो टीवी में दिख गया मारुति डाउन 8%। आपने घबराहट में, अरे मैंने तो मारुति के बिजनेस में हिस्सा लिया था, मारुति तो गिर रही है। मारुति नहीं गिर रही, मारुति का भाव गिर रहा है, और वो भाव मारुति के मालिक ने नहीं बनाया, वन बायर वन सेलर, दे थॉट दैट देयर इज समथिंग, यू शुड नॉट बॉदर्ड। आपको बिजनेस का बैलेंस शीट देखना है, आपको प्रॉफिट देखना है, आपको कार की सेल्स देखनी है, आपका उसका ग्रोथ देखना है, न्यू डिजाइन देखनी है, वगैरह वगैरह। कुल मिला के यही अंतर है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर में। तो इसीलिए सबसे अच्छा रूट तो यही है, दूसरों के बिजनेस में जाना। मुझसे यार कोई पूछे कि मेरे पास अभिनेश जीवन में रिस्क नहीं लेना है, मैं अपने रुपए को डुबाना नहीं चाहता, FD कर दूं कि शेयर बाजार में डाल दूं, मैं बोलूंगा FD मत करना भाई, डूब सकता है। तुमने कहा कभी नहीं डुबाना है, तो बॉन्ड भाग सकता है, बैंक बंद हो सकती है, दुनिया की कुछ भी हो सकती है। बिजनेसेस में अगर हमने टॉप 50 बिजनेस अगर भारत के देख ले, वो तभी बंद होगा, देश बंद होगा। भाई आपके लिए कौन सा बिजनेस ऐसा है जो नॉन ये हो सकता है, ONGC नहीं बंद हो सकती, गेल नहीं बंद हो सकता, हिंडालको नहीं बंद हो सकती, आपका ICICI बैंक अब बंद नहीं हो सकता, SBI बंद नहीं हो सकता। आप इन्हें भी एमडी देने को तैयार हो और उनके बिजनेस में पार्टनर बनने को तैयार नहीं हो। हाँ, कॉम्पिटिशन वाले कुछ बिजनेस हो सकते हैं कि आज हुंडई चल रहा है, कल टाटा मोटर चल रहा है, परसों कोई और चलेगा, ये कॉम्पिटेटिव बिजनेस होते हैं। सो जब हम बिजनेस में निवेश करने जाते हैं तो हमें तय करना रहता है कौन सा बिजनेस परमानेंट है और कौन सा बिजनेस साइक्लिकल है। कुछ बिजनेस साइक्लिकल का मतलब यही मौसम के हिसाब से, साइकिल मतलब कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे, और वो जो बिजनेसेस होते हैं वही सबसे ज्यादा फायदा और घाटा देते हैं। जैसे कि इस बार के टेंडर TCS को मिल गई और कोई बहुत बड़ा टेंडर मिल गया, या कोई छोटी IT कंपनी आई और उसने इंफोसिस का डील उड़ा लिया, इंफोसिस गिर गया। अगली बार इंफोसिस ने बड़ा क्लाइंट ग्रैब कर लिया US का, इंफोसिस बढ़ गया। ये साइकिल हुआ, उसका एक साइकिल था, उसके एक साइकिल नहीं था, उसके यहां कोई प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन पावर ग्रिड, जिंदगी भर पावर ग्रिड कभी कोई शेयर ट्रैक करता हो तो देखा होगा 180-210, मतलब वो शेयर कभी गिर के 2 रुपए नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी रेंटल इनकम है, बिजली दौड़ रही है और वो चार्ज कर रही है गवर्नमेंट से, पूरे इंडिया में 27,000 किलोमीटर पे उसकी तारे फैल चुके, तो उसका तो परमानेंट इनकम है। गेल कभी भी नहीं ऐसे हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम इन चीजों पे देखें
तो मोटा मोटी बिजनेस आइडेंटिफाई करना एक कला है, एक एक्यूबेंट विच इज इंटरेस्टिंग। नाउ फाइनली अपने खुद का बिजनेस करने के क्रम में बहुत चैलेंज होती है, पूंजी कहां से लाऊं, बिजनेस कौन सा करूं, बिजनेस नहीं चला तो मैं कहता हूं शेयर बाजार में वही प्रॉफिट कमा सकता है आज भी, जीरोडा पिरोडा जो ऐप खोलना खोलिए, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन होने का टैलेंट रखते हो। बहुत लड़के मुझसे यंगस्टर, मैं काउंसलर भी हूं, आप लोग को बहुत यंग कॉलेजेस में आते हैं बच्चे, तो जब मैं काउंसलिंग करते हूं तो तुम्हें स्टार्टअप करने का मन है, बोला हाँ हाँ, आपके आइडिया यूनिक नहीं है, बोला नहीं सर कोई यूनिक आइडिया नहीं, मिला सब चुरा लिया, पेटीएम वाला ले गया, वो ले गया, ओला ले गया, हमको समझ नहीं आ रहा कौन सा आइडिया लगाऊं। हमने कहा मत लगाओ ना, व्हाई आर यू फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट, डू जॉब समवेयर जहां तुम्हें स्टेबल इनकम है और उससे उन स्टार्टअप में पैसा लगा दो, तुम्हें यही तो करना था, यू वांटेड टू मेक मनी एंड गेट सेटिस्फाइड अबाउट इट। बिलियनर और मिलियनर बनना तो 100 में एक का, 1000 में एक का बात अलग है, बट टू सेटिस्फाई योरसेल्फ दैट यू आर डूइंग अ गुड बिजनेस कैन बी डन ट्रूली भारत के अच्छे बिजनेस। एनीवे दूसरों के चलते हुए बिजनेस में हिस्सा लेना बहुत आसान है, डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपके पास, डीमैट इसलिए ताकि कोई शेयर आपका चुरा ना ले, आपने जो खरीदा वो शेयर डीमैट में मिल जाए, तो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। द सेकंड इज 5-10 अच्छे बिजनेस में हिस्सा लेना शुरू करना चाहिए, बाद में अननोन बिजनेस में लेना चाहिए। एक स्मार्ट आदमी हमेशा अननोन बिजनेस में हिस्सा लेता है जो जनता को नहीं पता है, क्योंकि वो सस्ता मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब दुनिया जान जाएगी तो महंगा हो जाएगा। नाइका सबको पता चल गया तो नाइका इज वेरी कॉस्टली, यही नाइका जब प्राइवेट इक्विटी में था तो कोई नहीं लेता था, अरे क्या धंधा है यार, ये रिटेल दुकान को उठा के तुमने वहां डाल दी, ये तो कुछ है ही नहीं, नाइका का अपना तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, ऐसा लोग हमें कहते थे। हम नाइका बेचते थे तब हम 200 रुपए 150 रुपए का शेयर लेके घूमते थे, भाई नाइका का ले लो, नाइका का ले लो, कहते थे नहीं लेंगे। अब आईपीओ आ गया, सारी दुनिया जान गई, वो हो गया 2000 रुपए। तो अल्टीमेटली एनीथिंग 5-10 में लेना चाहिए आपको, वो 5-10 वो बिजनेस जो आप रोजमर्रा पे यूज करते हो और आपको पता है ये नहीं खत्म हो सकती, गैस आपके दुनिया में, इलेक्ट्रिक आपके मोटर्स, गाड़ी घोड़ा, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, लोनिंग, तो वो बिजनेसेस आप चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या मजा है, हम लोग के इसका प्रचारक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज नथिंग, म्यूचुअल फंड कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एजेंट है, वो कहता है सुनो तुमको बहुत पैसा कमाना है, एकदम बढ़िया छोटे छोटे सस्ते शेयर चाहिए, आ जाओ स्मॉल कैप फंड है मेरा, उसमें आ जाओ। अच्छा तुम्हें ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, बड़ी बड़ी कंपनी चाहिए, लार्ज कैप फंड है मेरा। अच्छा तुम्हें दोनों का बैलेंस चाहिए, हाइब्रिड फंड है मेरा। अच्छा तुम्हें ये चाहिए, फलाना फंड, ऐसे हजारों फंड बाजार में घूम रहे, हर फंड की एक थीम है, और वो कहता है जहां तुम जाना चाहते हो, एंड दैट इज द आंसर फॉर योर डॉटर विच सी सेड कि वो ट्रेडिंग में करना चाहती है ना, उन्होंने बोला मैं शेयर में इक्विटी में जाना चाहती, ये तुम्हारे लिए आंसर है, तुम्हें इक्विटी में जाना है जाओ, टेक द रूट ऑफ अ पर्सन जो तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है, पहला रेगुलेशन दे रहा है, कोई रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड नहीं दे रहा है, थर्ड सेबी के स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट नियम से वो कंपनियां खरीद रहा है, जैसे कि डेट वाली कंपनी नहीं लेगा, जिसके बुक में उधार है उसको नहीं लेगा, जिसका कैश बुक खराब है, जिसने कोई घपला किया है, किसने कंप्लायंस तोड़ा है, किसी ने, ऐसे सब कंपनी छटती जाती है उसमें, क्योंकि दे हैव अ डेडिकेटेड टीम, उसके लिए वो टोटल कॉर्पस के ऊपर आपसे 1% 1.5% चार्ज करता है सालाना, जो कि वर्थ है, और उससे उनका पेट भरता है। तो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा मजा कोई मुझसे पूछे क्या है, ये दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो जो कमाता है वो आपका, जो घाटा होता है वो भी आपका, फायदा भी आपका, नुकसान भी आपका, दैट इज कॉल्ड एनएवी। वो अपने जेब में कुछ नहीं रख सकता, सेबी के नियम म्यूचुअल फंड को ये अलाउ नहीं करती, ज्यादा हो गया सुनो, अरे अभिनेश भाई इस बार हमने बहुत प्रॉफिट कमा लिया है, ऐसा करते हैं क्लाइंटों को कम बांट देते हैं, थोड़ा कम बांट देते, नहीं कर सकता। और दुनिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट दिमाग में सोच लीजिए, आपके दोस्त को आप पैसा दे दीजिए 10 लाख बिजनेस करने के लिए, वो 10 का 50 बना लेगा तो आके क्या बोलेगा, ले भाई तेरा 10 लाख का बैंक ब्याज से 12 लाख लौटा देता, 12 म्यूचुअल फंड गारंटी रिटर्न नहीं देता, तभी उसके नीचे कागज में लिखा होता है म्यूचुअल फंड डू नॉट गारंटी रिटर्न। वो इसलिए नहीं कि वो डर रहा है, वो इसलिए कि वो कहता है अरे गारंटी लिख दूंगा तो एक्सेस मनी किसको दूंगा, जो ज्यादा कमा लूंगा वो कहां ले जाऊंगा, इसीलिए वो गारंटी नहीं करता, इसलिए नहीं कि उसे डर है। सो इस बात के साथ कुछ एग्जांपल लास्ट देते हुए, प्लीज आई होप आप लोग थोड़ा सा बोर नहीं हो रहे हो, मोहित 10 मिनट और नहीं हूं, लास्ट सीन दिखा देता हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को, ये देखिए ये एक शीट है मेरे सामने,
जो शायद आप लोगों को विजिबल हो रही होगी, फंड कैटेगरी। जरा हम एक साल पे हाथ डालते हैं, और जो कि बहुत छोटा है, सबको देखने के लिए लगेगा नहीं यार ये मैं मिस कर गया रैली, ये शेयर बाजार में लोगों ने इतने कमा लिए, मेरे दोस्त ने कमा लिया। घबराइए मत, अगर म्यूचुअल फंड में आपने मुझे अपना ऑब्जेक्टिव सही से बताया था और मैंने अगर आपको स्मॉल कैप में लगवा दिया था तो आपने 90% कमाया है भाई। अगर आपने मुझे ऑब्जेक्टिव बताया था, अगर आपने मुझे सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे हिसाब से लगाई होगी तो मैंने आईटी दिया होगा, मैंने फार्मा दिया होगा, मैंने बैंकिंग दिया होगा, 81% कमाया आपने। टेक्नोलॉजी 80, मिड कैप एनर्जी 60, ये रिटर्न। लेकिन आप मुझे डेट बताए, अरे अपने मेरा पैसा ना गिर जाए किसी हालत में, जरा ध्यान रखना, मैंने उठा के डेट में डाल दी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, बैंकिंग बॉन्ड, एफडी, तो रिटर्न आया एक साल का 4%, 4.5%। तो आपने मुझे क्या बताया, मैंने उसके हिसाब से प्रोडक्ट दिया होगा, प्रोडक्ट तो मेरे पास सब थे। तो मेरे पास ऊपर का टॉप लिस्ट है 90 और बॉटम लिस्ट है 2%। तो ये डिपेंड करता है हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम बातचीत कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो ये पूरी मीटिंग का सार आज यही हो रहा है और होना चाहता है कि हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो आज मैं खड़े होकर इस फोरम पे वन साइडेड कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं अपनी बात आप लोगों को बता रहा हूं, बट जो दूसरा साइड है आपका वो हमेशा ओपन है। प्लीज कम टू आवर ऑफिस, विजिट, टॉक, हैव योर टाइम, वी हैव अ बुकिंग कैलेंडर, आप बुकिंग करिए और नंबर्स आपको आराम से मिलेंगे। मैं अभी लास्ट पे देता हूँ, जरूर लिखिए। हमारे यहाँ नितिका और श्वेता और पूजा, इन तीनों का काम सिर्फ अपॉइंटमेंट डायरी बनाना है। आप इनको बोलिए कि मुझे मिलना है, किसी से भी मिलना है, मोहित से, अमित से, पर्टिकुलर नहीं पता है तो आप सिर्फ कहिए मुझे डिस्कस करने मिलना है। और भगवान की दया से हमारा नया डिस्कशन रूम शायद 15th को इनॉग्रेट हो जाए या 20th तक आ जाए, तो तब तो मैं चाहूंगा आप लोग सब एक बार जरूर आए। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन ऑन अ स्मॉल फाइनल नोट विच इज देयर, सो लेट मी जस्ट गो बैक टू फाइनली मैं ये सम अप कर रहा हूँ कि भारत का ये फाइनेंस बाजार आपके हाथों में है। जैसा मैंने कहा, बाजार से शुरू हुआ था, बाजार पे एंड कर रहा हूँ कि मार्केट आपके पास है। जैसे आपकी बाजार थी कपड़े की, ज्वेलरी की, फलाना की, फंड की, वैसे ही बाजार फाइनेंस की है। फाइनेंस बाजार में ये सब नाम बिकते हैं, प्लीज इसे खरीदते समय बेचने का विचार दिमाग में मत रखिएगा। सिर्फ खरीदने के विचार से आइएगा तो बढ़िया होगा, बेचने के विचार से आएंगे तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एनीवे, म्यूचुअल फंड हमें रूट सही लगता है, और इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में हम सही में बोले तो यहाँ एक लाइन है जो ताना लगता है लोगों को, लेकिन ये ताना हम बहुत ओपनली देते हैं। यहाँ पैसा गंवाने के लिए आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। थोड़ा ताना है, सरकास्टिक है, इंडियन इक्विटी मार्केट में अगर आप घाटा करना चाहते हैं या करें तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। इसका क्या तात्पर्य है कि अगर आप सिंपल बेवकूफ लोगों की तरह, लेमन की तरह निवेश करते हैं तो इंडियन इक्विटी मार्केट में घाटा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो क्या तीन चीज, पहला लेमन की तरह ही एक्ट करिए भाई, यानी ट्रेडर मत बनिए। लोग साइकोलॉजिकल इमोशंस को नहीं हैंडल कर पाते, फियर और ग्रीड में अपनी राह छोड़ देते हैं, अपना पथ छोड़ देते हैं। एचडीएफसी बैंक, मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने 20 साल से लिया और आज तक डिविडेंड से उनका घर चल रहा है, डिविडेंड से चल रहा है। ऐसे ऐसे क्लाइंट है जो अक्सर आज पूछते हैं, एचडीएफसी बैंक बीस रुपया आदमी जी 1600 पे लिया था, आज ठीक हो गया। अरे भाई क्यों पूछ रहे हो, तुमने एचडीएफसी बैंक के बिजनेस में पार्टिसिपेट किया तो क्या बता दो कि बेच दो। बोलो भाई भाव बहुत दिख रहा है, ऊपर है तो बेच के करोगे क्या, कहां जाओगे। तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क हमारी किताब में, हमारे फाइनेंस के कोर्स में सबसे बड़ा रिस्क है। जीवन में दोबारा लगाना, आपका गोमती नगर में बढ़िया जगह प्लॉट है, कोई एजेंट आता है कहता है बेच दो, अरे बेच दो, बेच गया तो खा लो, कंज्यूम कर लो, लेकिन इसलिए बेचा कि दूसरा प्लॉट खरीद लूंगा। कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो, एक सही जगह बैठे हो, सेफ है, बढ़िया रेट बढ़ रहा है, लेकिन बेचेंगे क्योंकि हमको बहुत दिख रहा है। ये होती है साइकोलॉजिकली। नरीमन पॉइंट का बॉम्बे का भेज दीजिए अपना ऑफिस, कहां लेंगे फिर, वेयर विल यू बाय।
तो बेचना और खरीदने के पीछे मकसद होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा इंडियन इक्विटी में लॉस नहीं है, समझना है कि हमें करना क्या है। सो नीड टू बी स्मार्ट टू लूज मनी, अदरवाइज लूज नहीं हो सकता। ये लास्ट चार्ट समझ लीजिए, आप लोग सोचते हैं कि टीवी में निफ्टी दिखता है, सेंसेक्स दिखता है, यही दो बाजार है, और उसी को देख के कहते हैं अरे तरुण मार्केट बहुत गिर रहा है निकाल दे क्या, अरे मार्केट निफ्टी गिर रहा है मेरे पास इतनी मार्केट है, ये देखिए ये है बाजार, ये है बाजार, इस बाजार में निफ्टी 100, निफ्टी मिटा, निफ्टी 500, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी बैंक, प्राइवेट बैंक सब है, ये सब इंडेक्स है, ये ग्रुप्स है। आप खाली एक को जानते हो जो कि टीवी में रोज दिखाया जाता है, क्योंकि वो बड़े 30-50 कंपनी का लिस्ट है निफ्टी 50 और 30 बड़े कंपनी का लिस्ट है सेंसेक्स, वो दो को ही दिखाते हैं, लेकिन आपको तो ये पूरे पे नजर रखनी है ना। दिस इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड आपके लिए इस पूरे यूनिवर्स पे काम करता है। नाउ जो मैंने लास्ट आज बिरला जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं और जिनकी ये कटसी प्रम है, हमने उनकी बिजनेस साइकिल, हमने कहा साइकिल बदलता है ना, हमारी टॉपिक ये थी कि साइकिल हर बिजनेस का बदलता है। आप जो फिक्स्ड है, जो कभी नहीं, जैसे हिंडाल्को उसका साइकिल कभी नहीं बदलता, एल्युमिनियम फॉल बिकेगी वही बनाएगा वही खरीदेगा, दूसरा उसका कॉम्पिटिटर पैदा नहीं हो सकता, इतना बड़ा प्लांट सिटी से वो नहीं लगा, ना वो बड़ा हो सकता है, ना वो अपनी कैपेसिटी मल्टीप्लाई कर सकता है, ना वो उसका कोई कॉम्पिटिटर, तो सिंगल बिजनेस है, हिंडाल्को का शेयर खरीद लीजिए चलता रहेगा, ये दीज आर कॉल्ड वैल्यू स्टॉक। लेकिन ऐसे शेयर जो मैंने एग्जांपल बताया, इंफोसिस को कल आके एचसीएल हरा देगा, कभी टेक महिंद्रा हरा देगा, कभी टेक महिंद्रा को वो हरा देगा, इसको हम साइकिल चेंज ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो ये जरूरी होता है कि आप अगर किसी भी बिजनेस के इस साइकिल को पहले पहचान ले, तो ये जो साइकिल है ये बिजनेस साइकिल फंड कहते हैं, बिजनेस साइकिल फंड। ये बिजनेस साइकिल फंड आजकल बहुत लोगों के आ चुके हैं, बिरला ने भी अभी लॉन्च किया है इसको, ये चार चीज पहले पता रहनी होती है। तो पोर्टफोलियो को अहेड ऑफ टाइम, यानी आपने मुझे कहा लो अभिनेश जी मैंने म्यूचुअल फंड आपके कहने पे लगा दिया, आपने कहा मैंने लगा दिया, इक्विटी में बोला लगा दिया, लेकिन इक्विटी का कौन सा इक्विटी फंड लेना है ये कहां से तय करोगे तुम? तो मैंने कहा भाई मैं तो ये तय कर रहा हूं कि मैं बिजनेस साइकिल फंड में आपका पैसा लगा देता हूं, जो वो साइकिल चल रहा है इस समय, जिसकी साइकिल चल रही है, मान लो अभी टाटा मोटर की गाड़ियां बिक रही हैं, उनका इलेक्ट्रिक इनोवेशन चल रहा है, शोरूम रिनोवेट हो रहा है, चीजें अच्छी हैं, मार्केट में ट्रेंड है, हमने कहा भाई टाटा मोटर शेयर मेरे पास होना चाहिए। अब मैं खरीद नहीं पाया उस समय, या आपने खरीद पाया उस समय जिस समय उसकी ट्रेंड लाइन चेंज हो रही थी, तो जो ऐसा फंड होता है, ऐसे फंड मैनेजर होते हैं, वो अपने स्टॉक में ऑटो वही रखेंगे, उनके पास ऑटो कंपनी के शेयर होंगे, पर उन्होंने हो सकता है कि किसी और कंपनी को रिप्लेस करके टाटा मोटर अप कर दिया, मार्जिन कम कर दी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल फंड। और इस बिजनेस साइकिल फंड का लॉन्च 15 नवंबर, एनएफओ है, क्लोजिंग 29 को होगी, फिर ये ओपन रहेगा, इट्स ओपन एंडेड फंड, बट इसकी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी थी, और इसलिए इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना सेशन एंड करता हूँ। क्वेश्चन आंसर आपके पास जो हो प्लीज, मैं 2-4 मिनट यहाँ खड़ा हूँ, और योर क्वेश्चन शुड आई कंटिन्यू विथ माई एसआईपी, ऐसा किसी का सवाल है तो पूछिए, शुड आई कंटिन्यू विथ माई इक्विटी, विल द मार्केट क्रैश, एक क्वेश्चन इन्होंने मुझे शुरुआत में दे दी थी सर ने, कि मेरे पास हड़बड़ा के या प्रॉफिट देख के मैंने डेट में शिफ्ट कर लिया, मैंने अपने पैसे बुक कर लिए और अभी भी अपने जी 20-50 लाख पड़ा है, मैं क्या करूं, ये आपका सवाल है, तो मैं उसको एड्रेस करता हूं। बाकी के लिए हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को जब भी हम कहते हैं कि क्या करो, तो उनको कहते हैं प्रॉफिट बुक करके, जैसा मैंने कहा री इन्वेस्टमेंट रिस्क सबसे बड़ा होता है, तो प्रॉफिट हम तभी बुक कराते हैं या तो उसका कुछ कंजम्पशन हो या फिर वो जाके किसी ऐसे एसेट में हो जाए जो एकदम सिक्योर्ड हो। तो अगर आपका 20 लाख रुपए जो पड़ा है वो मुनाफे का है, प्रॉफिट में से काटा है, तो मैं कहूंगा छोड़ दो, इस हाई मार्केट पे उसको वापस लाके क्यों रिस्क जोन में कूदने वाले हो। अगर वो 20 लाख आपका पूंजी था, पूंजी मतलब आप हड़बड़ा के इक्विटी से भाग गए थे और आपको लगा था कि अरे इक्विटी तो अब बहुत हो गई और पूरा उठा के ले आए थे, तो मैं कहूंगा उसको एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान से लाना शुरू कर दो, एक ही दिन में मत लाओ, सिस्टमेटिक ट्रांसफर हर हफ्ते थोड़ा 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 करके लाना शुरू कर दो। लेकिन मुनाफा था तो फिर याद रखिए, मैं बोलूंगा भूल गया उसको, आपने एफडी कर दी, जैसे कि हर 6 महीने में मेरी कंपनी इंफिनिटी फिनसर्व भी इन्वेस्ट करती है, हम लोगों को जो प्रॉफिट होता है उठा के उसको डेट फंड में डालते जाते हैं, उसकी एफडी बनाते जाते हैं, हमें पता है एफडी मुझे कम रिटर्न दे रहा है लेकिन मेरे मुनाफे से बनाए, हम अपने प्रॉफिट को डालते जाते हैं, आज मेरी एफडी बड़ी हो गई लेकिन मुझे लालच नहीं आता मेरी एफडी देख के, क्योंकि मुझे पता है मेरे मुनाफे से बनी है,
और ये मेरा कूड़ा है, मतलब इसको मुझे सेफ रखना है। तो ये थॉट आपको लगानी पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। और अगर इसके बाद भी जवाब चाहिए तो सबसे अच्छा है डेट से बैलेंस एडवांटेज में आ जाओ, जो कि जादूगर फंड है। तो हमने आपको दो चीज आज सोचा था कि जरूर बताऊंगा, कि ये दो टू ग्रेट वे टू अचीव है वेल्थ। वन इज डायनेमिक एसेट, कुछ नहीं समझ आ रहा है, बैंक से ज्यादा चाहिए और टैक्स भी कम भरना है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन पूछिए फोन करके, किसका दोगे? बिरला बैलेंस एडवांटेज, आईसीआईसी बैलेंस एडवांटेज, एचडीएफसी, कोटक, एडलवाइज, बहुत नाम है, सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं, आपको ये लोग आंख बंद करके दे देंगे। एफडी का रिप्लेसमेंट कोई भी चाहे ये नोट कर ले, एफडी को ये हर वक्त हर बात पे हरा सकता है, उसके रीजन है और हम उसको समझा सकेंगे। बिजनेस साइकिल फंड, और आज आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन का साइज आपको पता है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बराबर है कलेक्शन, 1.5-2 लाख करोड़ की कॉर्पस हो चुकी है ऑलरेडी। बिजनेस साइकिल फंड, बिजनेस साइकिल फंड वो दूसरा ग्रेट वे है, जिसको इक्विटी में समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाऊं क्या करूं, आईटी भाग गई थी, अब अचानक फार्मा गिर गया, बीच में सबको फार्मा फार्मा लग रहा था, फार्मा दब गया, अब अचानक बैंकिंग बैंकिंग लग रहा है, किसी दिन बैंकिंग खराब लगने लगेगा। तो आपको साइकिल के चेंज को एंटिसिपेट करने के लिए यू नीड अ फंड मैनेजर which is giving you this promise, and here it is that fund which is called business cycle fund. So this is a good solution. Obviously unbiased bolo to business cycle fund aur bhi logon ke hain, since hum log yahan khade hain, obviously it's a Birla launch, I am announcing it, but there are multiple business cycle fund today in India, around 8 or 9 business cycle fund bharat mein already hain. Aur ye hamara number hai, phone number yahan nahi likha hua hai, मैं फिर से लिख देता हूँ। तो ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया प्लीज, बहुत लोग मुझसे ऐप के लिए पूछते हैं, अरे अविनाश जी लोड नहीं हो रहा ऐप। जब फंड कनेक्ट आप लोड करते हो मेरा, तो वहां पे पूछता है तीन चीजें, डिस्ट्रीब्यूटर का फोन नंबर या कंपनी का एआरएन नंबर, एआरएन इज एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर, और या फिर मेरा वेबसाइट का डिटेल। आप लोग एआरएन याद रखते हो तो 20943 लिख दो, दैट्स ऑल, यू आर एंटर इनपुट ऐप, तो बस एआरएन भर दो और आगे की कहानी बहुत सिंपल है। आपको मोबाइल पे ओटीपी आती है, आप लॉगिन कर लो और एक क्लिक पे देख लीजिए, जब भी देखिए सुबह उठिए अपना देख लीजिए, सिंपल ट्रांजेक्ट कर सकते हो मेरे ऐप से। तो जो यंगस्टर है उनको थोड़ा टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें चाहिए, खुद डिसाइड करना है, कर लीजिए, आप टीवी में देखे हो या अखबार में पढ़े हो, आपने रिसर्च किया, कर लो, उसमें कार्ड बनाओ, सिलेक्ट करो, इन्वेस्ट कर लो, एटलीस्ट रहेगा तो मेरे मॉनिटरिंग में। मुझे आपके डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से इशू नहीं है, बट मेरे अंदर करोगे तो मैं देख पाऊंगा, बाहर कर लोगे तो मैं एडवाइस नहीं कर पाऊंगा। ट्रैकिंग प्लानिंग तो उसका है ही है। तो फोन नंबर यहां पे मैं फिर से अनाउंस कर दे रहा हूं और लिख दे रहा हूं, जो हमारा सेंट्रल लाइन है 9307218766। किसी को भी इस लाइन पे कॉल करेंगे, जैसा मैंने कहा नितिका, पूजा, श्वेता, तीनों हमारे टीम स्टाफ वहां मेंबर्स हैं, वो आपका फोन उठाएंगे, आप उनसे जो अपॉइंटमेंट लेना चाहे लीजिए। हम वेबिनार भी करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। वेबिनार की अपॉइंटमेंट लेनी हो, फिर फैमिली बैठना हो, बहुत सारे लोग प्रोफेशनली ये करते हैं, हम लोग इवनिंग में 9 o'clock तक, रात तक वेबिनार लेते हैं, आधे घंटे 45 मिनट का होता है। अगर आपका बच्चा, भाई, कोई बाहर है, कोई एनआरआई है, या वो सिटी में नहीं, आप चाहते हो पूरी फैमिली एक ही दिन सुने, प्लीज आस्क, ये लोग अरेंज कर देंगे और हम लोग काउंसलिंग वहां भी कर सकते हैं। गोल क्रिएट करने में हम असिस्ट करते हैं, गोल बना देते हैं, पासवर्ड दिखा देते हैं, गोल को फॉलो करते हैं, ये सब कुछ काम आपको हमारे यहाँ मिल सकता है। एक्सपर्ट काउंसलर में मेरे यहाँ ऑब्वियसली मोहित गुप्ता इज द हेड, एंड आई एम द मेंटर एंड ट्रेनर। अमित सक्सेना आप लोग जानते होंगे, आप लोग प्लीज अगर सामने आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो अमित जी, तरुण इज आवर सीनियर मेंबर, अमित जी सीनियर मेंबर, पूजा असिस्ट करती है अमित को, ज्ञानेश एंड देव आर्या। तो प्लीज ये हमारी टीम है जो काउंसलिंग टीम में है, बाकी हमारी बैक ऑफिस टीम ऑब्वियसली यहाँ आज नहीं है। मिस्टर दीप वहाँ क्रिएटिव देखते हैं, जो आपको मेल मिलता है यूट्यूब चैनल पे, आप आजकल मोहित का देखते होंगे काफी चैनल, जो लोग आज तक हमारा यूट्यूब नहीं देखे हैं, ही इज डूइंग इट वेरी वेरी अच्छे से कर रहा है, और हर टॉपिक को जो हम लोग आज सेमिनार में कर रहे हैं मोहित उसे छोटे छोटे फ्रेजेस में समझाता है। तो प्लीज आप लोग उसे फॉलो करिए यूट्यूब चैनल हमारा, और सब्सक्राइब करिए, उसमें आप इन्फिनिटी फिनसर्व लिखेंगे गूगल में आ जाएगा।
एंड सहायता के लिए जैसा मैंने कहा ये नंबर है, ये ईमेल है और ये हमारा वेबसाइट है। आप लोग से इतना ही एक्सपेक्ट करूंगा कि इस कंपनी में आप लोगों ने जो जर्नी की है प्लीज उसको टेस्टिफाई करिए, दूसरों को बताइए, कुछ और लोग हमें और रेफर करिए जिनको हम काउंसिल कर सकते हैं, फैमिली की तरह मानते हुए ट्रस्टफुली किसी को भी हमें प्लीज रेफर करिए। सो विद दैट थैंक यू, वी हैव ड्रिंक्स एंड डिनर, कंफर्टेबली आराम से थोड़ा समय बिताइए, डोंट बी रश, हम लोग यहाँ हैं, बातें करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? सो फील कंफर्टेबल। लाइट्स ऑन करा दें। हाँ, जो हमारे YouTube Facebook के लाइव ऑडियंस है, ये डिजिटल नया युग है भाई, तो आप लोगों को भी थैंक यू, मैं कहाँ हूँ नहीं पता, थैंक्स टू ऑल वर्चुअल विजिटर्स, थैंक यू। Thanks to all